हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। मैं हूं अशफाक। देखिए, आपके लिए लाया हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग सवाल, और ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के व्यू के लिए। तो यहां पे मैं आपको लॉन्ग क्वेश्चन बताने वाला हूं डियर, और इसमें मैं आपको चार क्वेश्चन लॉन्ग वाला बताने वाला हूं, ठीक है। और सब सवाल आता है सिर्फ पाँच नंबर या चार नंबर, यानी कि लॉन्ग दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में ये सवाल पूछा जाता है और पूछा भी गया है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको ये सवाल बनाने के लिए आता है तो एक बार प्रैक्टिस कीजिए बिना देखे हुए, और फिर अगर आपको नहीं आता तो फिर देखिए कैसे बनाता हूँ मैं, ओके। चलिए, तो सबसे पहले यहाँ पे सवाल देखिए भिन्न से दिया हुआ है ना, एक भिन्न वाला सवाल यहाँ पे है। अच्छा अच्छा सवाल दिया हुआ है, सिलेक्टेड सवाल यहाँ पे लाया हूँ आपके लिए। एक भिन्न के अंश से एक घटाया जाता है तो वह एक बटा तीन हो जाता है, ठीक है। ये बोल रहा है एक बटा तीन हो जाता है, और हर में आठ जोड़ा जाता है तो एक बटा चार हो जाता है, तो वो भिन्न निकालना है, ठीक है। तो भिन्न क्या होता है, हम मानना पड़ेगा, हमको मानना कि भिन्न वगैरह मान लेते हैं ना। चलिए देते हैं, माना कि भिन्न बराबर x बटा वाई, भिन्न जब भी होगा तो x y के रूप में होगा, जाहिर सी बात है। जब भिन्न जब भी रहेगा तो x और y के रहेगा। अंश ऊपर वाला अंश नीचे वाला क्या बोलते हैं, हर बोलते हैं। ये बात तो आपको याद रखना चाहिए, ऊपर वाला अंश नीचे वाला को हर बोलते हैं, ठीक है। अब प्रश्न से यहाँ पे जैसे बोलता हूँ वहाँ पे करेंगे, प्रश्न से क्या बोलता है, बोलता है एक भिन्न के अंश से घटाया जाए, तो अंश ऊपर वाला होता है तो एक से में से एक क्या करेंगे, घटा देंगे, जैसे बोलते हैं कर लेंगे, तो वह एक बटा तीन हो जाता है। तो हर में कुछ नहीं करने बोल रहा, सिर्फ बोल रहा अंश से घटाया जाता, तो अंश में से एक घटा दिए और हर वैसे ही रह गया, ठीक है। तो बोलते एक बटा तीन हो जाता है, तो एक बटा तीन यहाँ पे हो गया, हो गया। अब इसको हम हल कर लेते हैं इक्वेशन में के रूप में, इसको ला लेते हैं, ठीक है। तो हम क्या इसको जो है ना यहीं पर हल कर लेते ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है। देखो यहाँ क्रॉस गुना कर लेते हैं तो कितना जाएगा, थ्री थ्री को एक से माइनस वन से गुना करते हैं और ये वाई हो जाएगा, ठीक है। हमारा आ गया, इसको और अच्छे से कर लेते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, थ्री एक्स माइनस थ्री बराबर वाई हो जाएगा, ठीक है। और इसको इक्वेशन सुधार देते हैं तो क्या हो जाएगा, थ्री एक्स और ये वाई को इधर लाएंगे तो माइनस वाई बराबर थ्री को इधर ले चला जाए, ये तो आपको पता है। तो वाई को इधर लाए तो माइनस बन गया, थ्री उधर जाके बन गया प्लस, चूँकि थ्री माइनस में जाके क्या बना प्लस, ये हमारा समीकरण फर्स्ट हो गया, ठीक है। तथा अब तथा यहाँ पे दूसरा देखिए क्या बोलता है, दूसरा कंडीशन बोलता है कि हर में आठ जोड़ जाता है, हर में आठ जोड़ा जाता है तो एक बटा चार हो जाता है, लेकिन अंश के बारे में कुछ नहीं बोला जा रहा है यहाँ पे। तो अंश जैसे के तैसे ज्यों के त्यों वहीं पे रहेगा, ठीक है। और हर में जोड़ा जाता है, हर कितना है वाई प्लस एट है, तो हो जाता है कितना, वन बाई फोर हो जाता है, ठीक है। अब इसको भी यहीं पर हम हल करने की कोशिश करते हैं, तो देखो क्रॉस गुना कर लेते हैं, देखो वाई को चलिए इसे करते हैं, फोर एक्स हो जाएगा बराबर y को, y प्लस एट को वन से गुणा करेंगे तो y प्लस एट हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, फोर एक्स हो जाएगा यहाँ पे, y इधर आके माइनस बन जाएगा और बराबर क्या हो जाएगा, आठ। ये हमारा समीकरण क्या हो गया, सेकंड। तो फर्स्ट सेकंड हो गया हमारा। अब दोनों समीकरण क्या कीजिएगा, समीकरण फर्स्ट और सेकंड से को हल करने पे, ठीक है। यहाँ पर लिखते हैं समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से, तो फर्स्ट समीकरण क्या देखें, थ्री एक्स माइनस वाई बराबर थ्री, अब दूसरा क्या है, 4x माइनस वाई बराबर एट, ठीक है। अब इसको देखो क्या करना, हमको घटाना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि देखो y को अगर काटते हैं तो दोनों तो माइनस में हैं, तो हम कैसे काटेंगे, नहीं काटेंगे तो हमको घटाएंगे तो कट जाएगा। देखो घटाएंगे तो घटाने का मतलब हो गया कि निशान चेंज करना, ये 4x प्लस में है तो क्या हो जाएगा, माइनस में, y माइनस में क्या बन जाएगा, प्लस में, 8 प्लस में क्या बनेगा, माइनस में। तो देखो अब y जो हो गया प्लस हो गया और ये y माइनस हो गया, तो ये दोनों खल्लास, यहाँ पे क्या बचा, माइनस एक्स, क्योंकि चार एक्स में से तीन एक्स कटेगा तो माइनस एक्स, और ये बचेगा माइनस फाइव, है ना डियर, दोनों तरफ माइनस का तक कट जाता है, तो एक्स का वैल्यू कितना आ गया, फाइव हो गया। अब यहाँ पे लिखते हैं कि एक्स का मान, अब x का मान समीकरण किस में डालते हैं, चलिए फर्स्ट सेकेंड जिसमें डाल देते हैं ना, फर्स्ट में रखने पर, तो फर्स्ट क्या हमारा समीकरण, 3x माइनस वाई बराबर थ्री दिया वहाँ पे, चलिए तो 3x कितना वैल्यू दिया, पाँच आया था, माइनस वाई बराबर थ्री, आप यहाँ से लिख लीजिए x बराबर फाइव, ठीक है। चलिए अब देखो पाँच दिया, पाँच दिया पंद्रह हो गया, ठीक है। तो माइनस वाई माइनस ये थ्री है, ये पाँच या पंद्रह जाकर बनेगा माइनस पाँच या पंद्रह, माइनस में जाएगा, तो माइनस वाई बराबर कितना गया, माइनस बारह, ये दोनों हो गया ख़त्म, तो वाई बराबर कितना गया, बारह। इसलिए इसलिए हम लिखेंगे यहाँ पे, इसलिए भिन्न बराबर एक्स बटा वाई, और एक्स का वैल्यू कितना आया, फाइव आया, और वाई का वैल्यू कितना आया, ट्वेल्व आया, हो गया हमारा आंसर, क्लियर है। तो ये सवाल आप बनाएंगे तो आपको पांच नंबर सवाल आ जाएगा, और आता भी है सवाल, आया हुआ भी है, ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है, एनसीईआरटी का ही सवाल है, तो इसका हम आपका आंसर आ गया। चलिए दूसरा सवाल देख सकते हैं, देखिए ये रेलगाड़ी वाला देखते हैं, रेलगाड़ी वाला भी आप प्रश्न जो है बना चुके हैं,
और देखिए यहाँ पे फिर से मैं बताता हूँ, एक बार तो और मैं बताया था इसको। बोला क्या जा रहा है कि एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है, ठीक है, समान चाल से, मतलब चाल समान है, जितना की स्पीड जा रहा था उतनी स्पीड चल रहा, ठीक है, मतलब हर जगह उतने ही चाल है, 40 की तो 40 कहीं पर रुकर, मतलब हर जगह 40 की स्पीड जा रहा, ठीक है, या जो 20 की स्पीड जा रहा या तो 30 की स्पीड जा रहा, तो टोटल 360 किलोमीटर जाती दूरी तय करती है। यदि यह चाल अब चाल को करते बढ़ा देते, अगर चाल को 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक करते, अधिक बढ़ाते, तो उसकी यात्रा एक घंटा कम होती, जाहिर सी बात है चाल बढ़ाएंगे तो हमको कम समय लगेगा, है ना, चाल बढ़ा देंगे तो समय कम लगेगा। तो रेलगाड़ी की चाल क्या थी, रियल चाल क्या थी वो बताना, कितनी चाल से चल रही है रेलगाड़ी, ठीक है। तो मान लेते हैं, माना कि रेलगाड़ी की समान चाल क्या मान लिया मैंने, x किलोमीटर प्रति घंटा, है ना, समान चाल मानते हैं, x किलोमीटर प्रति घंटा रेलगाड़ी की समान चाल है, ओके क्लियर है। अब रेलगाड़ी द्वारा तय की गई कितनी दूरी लिख देते हैं, रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी कितनी है, 360 किलोमीटर। ये 360 किलोमीटर जो है दूरी तय की, कौन, रेलगाड़ी तय की, क्लियर है। चलिए मैं ब्लैक पेन से लिखता हूँ, ठीक है, एग्जाम में ऐसा मत करना, रेड ब्लू मत, ब्लैक ब्लू मत करना, यहाँ पे लगता दिख नहीं रहा ऐसे, इसलिए मैं ऐसे करता हूँ। तो समय यहाँ पे रियल समय क्या होगा, है ना, रेलगाड़ी द्वारा लिया कितना समय होगा, इस तो इसलिए रेलगाड़ी द्वारा लिया गया समय, तो क्या समय होगा, इतना कि 360 किलोमीटर गया है और एक किलोमीटर के चाल से गया है, कितना किस स्पीड से गया पता नहीं, लेकिन समय कुछ ना कुछ तो समय लगेगा ना उसको, तो बिल्कुल 360 बटा एक से घंटा, इतना तो समय उसको लग गया है, ठीक है। ये चूंकि फॉर्मूला होता है, समय बराबर दूरी बटा चाल बराबर दूरी बटा समय होता है ना, तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल हो जाएगा, क्लियर है, निकल गया। अब यहाँ पे प्रश्न से देखिए बोलता है, अब देखिए प्रश्न से क्या बोलता है कि यदि चाल 5 घंटा अधिक होता, यदि चाल 5 घंटा अधिक होता तो पहले तो जो रेलगाड़ी जा रही थी वो 360 बटा x की स्पीड जा रही, यानी कि ये क्या है इसका, ये समय रेलगाड़ी को जो शुरू में बिना चाल बढ़ाए हुए जब जा रही थी रेलगाड़ी तो इतना टाइम लगा, यानी निकाला ना इतना टाइम लगा, चाल है ये, दूरी है ये, चाल है दूरी चाल, तो दूरी बटा चाल समय हो गया। अब बोलता है क्या, अब उसकी चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देंगे, तो चलिए तो 360 अगर बढ़ाते हैं 5 किलोमीटर प्रति घंटा, तो बोलता है कि अगर बढ़ाइएगा तो क्या बोलते, एक घंटा कम समय लेती है, कौन, एक घंटा कम समय लेती है, ऐसे बोला जा रहा। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, 360 बटे एक से बढ़ाएं कितना, 5 किलोमीटर, तो 5 किलोमीटर यहाँ पे क्या किए, बढ़ा दिए। तो सिंपल से बोला ये जो समय आया है, ये भी क्या है, समय है, क्योंकि उसके बोलता कि चाल को 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दिए, तो देखो बढ़ा दिया, तो कुछ ना कुछ समय निकला, ये समय निकला, तो ये समय से ये समय एक घंटा कम है। जैसे कि मान लें कि अगर एग्जाम्पल मैं अगर दूँ आपको कि एक ट्रेन की चाल 16 किलोमीटर प्रति घंटा थी, उसके बाद घटा दिया या तो चाल बढ़ा दिया, तो चाल बढ़ाए तो मान लो 15 मिनट में पहुंच गया, है ना, 16 के आसपास 16 मिनट टाइम लग रहा था, अब लगा 15 मिनट चाल बढ़ाएं तो 1 मिनट कमा। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि चाल बढ़ाएं तो समय कम लगेगा, जाहिर सी बात स्पीड होगा तो समय कम लगेगा, कितना समय कम लगा, तो ये समय, ये पूरा क्या, ये समय है, ये भी समय है, तो इस समय से इस समय कितना कम है, कम मतलब माइनस, कितना कम है, एक जो है कम है। अब इसी को हल करना, मेन यही तक, यही मेन हमारा है, बाकी तो सारा फटाफट हो जाएगा। चलिए अब इसको क्या करना है, इसको हल कर लेते हैं। देखिए एलसीएम ले लेंगे, एक्स इंटू एक्स प्लस फाइव का एलसीएम हो जाएगा, तो क्या बचेगा, देखो 360 से गुना कर लो, 360 से गुना करते हैं एक्स प्लस फाइव, है ना, एक्स को तो कट जाएगा, इससे इसको गुना कर लेंगे, माने यहाँ से ये कट जाएगा, एक्स प्लस फाइव कट गया, तो 360 को एक्स से गुना करो तो 360 एक्स बराबर 1, ठीक है। चलिए अब क्या करते हैं, क्रॉस गुना कर लेते हैं, हाँ, तो कितना बन जाएगा, देखो यहाँ पे 3x हो जाएगा, 360 एक्स माइनस ए प्लस 360 पर 6 5 30 और 5 6 15 16 17 18 ये हो गया 18 माइनस 360 एक्स बराबर, आइए एक्स प्लस ये जो है ना इसको इधर भेज देते हैं, गुना कर लेते हैं, तो कितना आ जाएगा, देखो इसको गुना कर लो, एक्स स्क्वायर प्लस 5x हो गया, और इसको 1 से गुना करें तो वही होगा ना, ये दोनों क्या हो गया, खत्म हो गया, कट गया। अब देखिए क्या करते हैं, इस माइनस 18 को उधर भेजते हैं, माइनस 18 को उधर भेज लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर है प्लस 5x है, अब प्लस 18 है ना, तो माइनस 1800 इधर चला गया,
अब इसको क्या करते हैं, आपको द्विघात समीकरण से हल कर लो या तो जैसे मर्जी गुणनखंड विधि से हल कर लो, तो गुणनखंड विधि से मेरे ख्याल से ज़्यादा ईजी रहेगा। और जब इसको आप फैक्टर करोगे, ओहो फैक्टर करोगे तो पता क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर, हम इसको 40 को 45 से गुना करोगे तो 1800 आ जाएगा, ठीक है, 40 को 45 से गुना करोगे तो 1800 आ जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, 45x माइनस 40x, ऐसे लिखें, चूँकि 45 में से 40 घटेगा तो 5 बचेगा। अब 45 चौक देखो, 5 चौक 20 जीरो बाकी 2 16 17 18 हो गया ना, आइए माइनस 1800 बराबर 0। अब क्या करते हैं डियर, कॉमन लेते हैं तो एक्स प्लस 45 हो गया माइनस, यहाँ क्या कॉमन होगा, 40 तो कॉमन हो जाएगा तो एक से माइनस माइनस प्लस 45। आप सोचो सर यहाँ माइनस तो प्लस क्यों दिए, देखो हम माइनस कॉमन निकाले, जब माइनस कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे जो बचेगा वो प्लस बन जाएगा, और ये भी सब प्लस बन जाएगा। जब भी जैसे अगर माइनस कॉमन लीजिएगा तो उसके बाद जितना कुछ है सब निशान चेंज होगा, अगर प्लस रहेगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस रहेगा तो प्लस बनेगा, ऐसे होगा, ठीक है। अब क्या बचा हमारा, देखो एक से माइनस 40 एक पीस ये वाला हो गया, ये वाला यानी कि एक से प्लस 45, ठीक है, इतना बराबर 0। अब क्या करते हैं आप, यहाँ पर ना एक से माइनस 40 बराबर 0, तो एक से बराबर क्या हो जाएगा 40, अच्छा एक से प्लस 45 बराबर 0, तो एक से बराबर क्या हो जाएगा माइनस 45। आपको पता है चाल जो है माइनस में नहीं होता, ठीक है, चाल माइनस में नहीं होता, ठीक है, लिखेंगे यह असंभव है, ठीक है, इसलिए आप लिखेंगे रेल की चाल है ना कितना हो जाएगा 40 किलोमीटर प्रति घंटा, ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर, क्लियर है। तो रेल की चाल क्या कितना है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आप ही खुद अंदाजा लगा लीजिए यहाँ पर से, अगर 360 किलोमीटर की दूरी हो, हम यहाँ पे रख कर दें 360 किलोमीटर की दूरी है और 40 की स्पीड गाड़ी जा रही है, 40 की स्पीड, तो 40 के यहाँ पर भाग कर देखो 4×9=36, 9 घंटा लगा जाने में, है ना। अब बोलता है कि चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देते हैं, यानी कि 360 किलोमीटर की दूरी है तो 40 नहीं बल्कि 45, तो 45 कितना हो जाएगा, 45 को 8 से गुना करें कट जाएगा, 8×5=40, 4×5=32, देखो ये 45 को 8 से गुना करें तो कट जाएगा। तो पहले टाइम लगा था 9 घंटा, बाद में टाइम लगा 8 घंटा, कितना कम हुआ, बोल रहा ना 1 घंटा कम हुआ, ये देखो चेक हो गया, ऐसे 1 घंटा कम हुआ, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखो, ये सवाल देखो, हाँ ये सवाल देखो, बोलता है कि हंसों के झुंड से कुल संख्या के वर्गमूल का 7/2 तालाब में के किनारे खेल रहे हैं, मतलब कुल संख्या कितना है पता नहीं, लेकिन उस संख्या के कुल संख्या के वर्गमूल अगर मान लें कुल संख्या हमारा 49 होता तो 49 का वर्गमूल कितना होता, 7 होगा, और उसका मतलब उसका जो है 7/2 भाग जो है तालाब के किनारे खेल रहा है और बाकी 2 जो है हंस जो है वो जल में क्रीड़ा कर रहे हैं, क्रीड़ा मतलब पानी वगैरह जो भी चर रहे हैं वो है कर रहे हैं, तो हंसों की कुल संख्या निकालिए। तो इजी यहाँ पे, चलिए ये भी सवाल इजी बनाना है, देखिए माने तो क्या हमको निकालने बोल रहा है, हमको निकालने बोल रहा है हंसों की कुल संख्या, तो ही माना पड़ेगा, माना कि हंसों की कुल संख्या, आप एक से मानो एन मानो जो माना वही मानो, चलो हम एन एक से ही मान लेते, ठीक है एक से मान लिया। अब बोलता क्या, अब बोलता तालाब के किनारे कितना चर रहा, कुल संख्या के वर्गमूल के 7/2 लिखेंगे, यहां पर लिखेंगे तालाब के किनारे खेल रहे हंसों की संख्या, वही भाषा लिखा जो दिया हुआ है, ठीक है, खेल रहे हंसों की संख्या, ठीक है, खेल रहे हंसों की संख्या तालाब के किनारे। तो क्या बोलता सवाल देखो, तालाब के किनारे कितना खेल रहा, कुल संख्या के वर्गमूल, तो कुल संख्या कितना माना, एक्स माना, तो एक्स का वर्गमूल कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते ना, हो गया कुल संख्या का वर्गमूल का मतलब गुना 7/2 भाग, यानी कि इतना भाग क्या हो रहा, खेल रहा, इसको अच्छे से हमको लिखना, क्या लिखेंगे 7/2√x, ऐसे लिख लिया, इतना जो है तालाब के किनारे चल रहा और शेष जो है पानी में क्रीड़ा कर रहा, ठीक है, तथा पानी में कीड़ा कर रहे हंसों की संख्या, तो पानी में कितना हंस क्रीड़ा कर रहे हैं, बोल तो रहा दो जो है पानी में हंसों में क्रीड़ा कर रहे हैं, लेकिन इतनी बात तो पता है इतना हंस जो है तालाब के किनारे है, इतना हंस क्या है, दो हंस जो पानी में क्रीड़ा कर रहे हैं, इतना जो है तालाब के किनारे, लेकिन टोटल यही दोनों मिला कर ना, टोटल हंस इतना ही है, हम टोटल हंस क्या माने, एक्स माने, मतलब क्या पता चला, ये दोनों मिला करके एक्स के बराबर है, ये टोटल ये जो हंस है ये पानी के किनारे है, तालाब के किनारे खेल रहे, इतना
ठीक है। और ये क्या है, इतना दो जो है, दो हंस जो है पानी में क्रीड़ा कर रहे हैं, तो इतने ही तला, इतने ही हंस है, इसके अलावा और कोई हंस नहीं, क्योंकि पहले बोलते शेष दो हंस, शेष दो हंस तो पानी में किनारे, पानी में क्रीड़ा कर रहे हैं, तो मतलब पता चला कि जो हम टोटल हंस मारे थे वो यही दोनों हंस मिला करके, ये जो टोटल जो दो घटनाएं जो घट रही है यहाँ पे, एक तो किनारे खेल रही है, एक जो है पानी में है, तो ये दोनों मिला करके इस एक्स के बराबर आ गए, क्योंकि यही टोटल होगा, टोटल तो यही दोनों होगा, और तो कुछ हंस कुछ कर ही ना रहा है, टोटल के बोल रहा कुल, कुल है ना, तालाब के किनारे खेल रहे हंसों की संख्या बोला कुल हंसों के वर्गमूल, तो कुल हम एक्स माने इसका वर्गमूल का 7/2, इतना जो है पानी के किनारे का है और पानी में 2 है, ठीक है, तो दोनों को मिला करके एक्स के बराबर होगा। तो अब यहाँ पे करते हैं, इसलिए हम क्या करते हैं, इसलिए क्या करेंगे, देखिए 7/2 √x प्लस 2 बराबर क्या हो जाएगा x, क्योंकि यही तो बोल रहा सवाल हमारा, ये दोनों हंस, ये वाला हंस और ये वाला हंस, जितना हंस इसमें है और जितना हंस इसमें है, ये टोटल इसके बराबर है, क्योंकि हम x के वैल्यू पुट कर लिए। अब देखो इसको क्या करते हैं, 2 को उधर भेज देते हैं, 7/2 √x बराबर x माइनस 2। अब इसको हमको बनाना किस में, हमको गुणनखंड विधि से इसको बनाना पड़ेगा, तो इसको अच्छा 2 है ना, ये 2 है तो 2 को भी उधर भेज देते हैं, तो देखो 7√x बचेगा, ठीक है, तो 2 को उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 जो है आके क्या बनेगा, गुना हो जाएगा, तो √7x बराबर क्या हो जाएगा, 2x माइनस 2 दुना 4, ये हो गया। अब क्या करते हैं इसको, अब हम करते हैं दोनों तरफ वर्ग, क्योंकि हमको ये x जो रूट वाला हटाना है, ठीक है, तो दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो वर्ग कर देंगे कितना हो जाएगा, √7 है, 7√x का स्क्वायर और ये कितना 2x-4 का स्क्वायर, ये ने बोल रहा वर्ग कर दिए, तो जो वर्ग करेंगे तो कितना आ गया 7/49 और x से बचाएगा, क्या बचाएगा 49x, यहाँ पे क्या देखो a + a - b का होल स्क्वायर, क्या करेंगे a² + b² - 2, और ये a है और ये b है, ठीक है, ये सब तो आता आपको 49x बराबर कितना हो गया 2 × 4x² + 4 × 16, और ये 2 × 4 = 8x, ठीक है, कितना है 2 × 4 = 16 हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे इक्वेशन इसको सही कर लेते हैं, तो सबको हम ये 49 को उधर ही कर लेते हैं, तो 4x² हो जाएगा, प्लस में है तो प्लस में ही रहेगा, ठीक है, -16x है तो 16x रहने दिए, +16 है और 49 जाके क्या बनेगा -49, ये बनेगा हमारा 0। अब इसको बना लेते हैं अच्छे तरीके से, 4x² तो कितना -16x हो गया, घटा लेते हैं 49 में 16 घटा, कितना बचेगा 9 में से 6 गया 3, 4 में से गया 3, 33 हो गया, ठीक है, ये हमारा आ गया है। अब इसको देखो कैसे बनाते हैं, एक मिनट सॉरी, यहाँ पे 49 है ना, तो 49 ये एक से भी तो रहेगा, सॉरी, तो हमारा तो ठीक है, अब ये हमारा इसको ये दोनों जुड़ जाएगा ना, कि दोनों क्या होगा, दोनों यहाँ पे प्लस हो जाएगा, तो 9 × 6 = 15, तो 15 × 5 बाकी 1 हो जाएगा, 4 × 5 = 65 हो जाएगा, ठीक है, कितना हो जाएगा 65 हो जाएगा, और 16 हमारा प्लस में रहेगा, ये 33 नहीं होगा, क्योंकि 49x है ना, ये x इधर जाके 49x पूरा भेजेंगे ना, तो x को x के साथ हम क्या करेंगे जोड़ देंगे, क्योंकि दोनों है माइनस में, दोनों माइनस का जाएगा जुड़ जाएगा। अब हमारा ये आ गया, अब क्या करते हैं इसको हम तोड़ते हैं, तो देखो 16 चौक कितना होता है 64, 16 चौक 64, और 64 होता है, तो चलिए हम इसके रूप में तोड़ते हैं, 64x - x तोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें, क्योंकि ये गुणनखंड बनाने के नियम है ये, तो 4x निकालो कॉमन, तो 1 - 4 × 16 ये हो गया हमारा, और माइनस यहाँ पे कॉमन क्या हो जाएगा 1, यहाँ पे 4 तो 16 होगा ना, 16 × 64, और यहाँ पे 1 निकलेगा, तो x देखो माइनस बाहर निकालते हैं, यहाँ पे प्लस क्या बन जाएगा, माइनस बन जाएगा, वहाँ पे माइनस है तो प्लस बना, प्लस है तो क्या बना माइनस, क्यों, क्योंकि माइनस निकला बाहर, तो हमारा ये हो गया। अब क्या बचा हमारा, 1 - 16 इधर हो गया और 4x - 1 इधर हो गया, ठीक है, अब इसको हल कर लेते हैं, चलिए, तो 1 - 16 = 0, 1 बराबर कितना गया 16, और यहाँ पे देखें 4x - 1 = 0, 4x = क्या जाएगा 1, और x = क्या जाएगा 1/2, क्या जाएगा 1/2, तो यहाँ पे हंसों की संख्या कितना है, देखो हंसों की संख्या 1/4 होगा का, मतलब 1/4, 1/4 मतलब एक हंस भी नहीं, एक हंस का चौथा भाग, मतलब हंस को टुकड़ा टुकड़ा तो नहीं करेंगे, हंस को काटेंगे तो नहीं, काट कर खाना तो नहीं, हंसों की संख्या बोल रहा, और जाहिर सी बात है पहले बोल दिया कि दो हंस तो ऑलरेडी पहले खेल रहा है पानी में, इतना जो है क्रीड़ा कर रहा है, तो दो हंस तो कन्फर्म है 100%, तो यहाँ पे बोल रहा है 1/4, तो कभी तो इतना हंस तो कभी होने सकता है, चूंकि 1/4 मतलब 1/4 भाग, मतलब हंस को काटना पड़ेगा, वो तो बचेगा ही नहीं, मर ही जाएगा, तो हम लिखते हैं इसलिए हंसों की कुल संख्या कितना हो जाएगा 16, ये हो जाएगा हमारा 16,
ठीक है। अब चलो एक सवाल और बच गया, उसको हम हल करते हैं, वीडियो को यहाँ पे लास्ट करेंगे। चलो ये सवाल देखो, किसी संख्या तथा उसकी व्युत्क्रम का योग 10 है, 10/3 है, तो फिर वो संख्या निकालिए। चलिए तो इजी सवाल है पे, तो कोई संख्या मान लेते हैं, कोई संख्या पता नहीं, माना कि संख्या बराबर क्या मानते हैं, एक से मान लिया, कोई संख्या है उसको हम क्या माना, एक से मान लिया। अब एक से मान लिए तो लिखेंगे प्रश्न से क्या बोलता है, किसी संख्या, तो कोई संख्या क्या है एक्स है, तथा उसके व्युत्क्रम में, तो इसका व्युत्क्रम में क्या होगा, इसका उल्टा, मतलब इसके नीचे एक छुपा हुआ है तो उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/x हो जाएगा, है ना। और उनका योग यानी कि इन दोनों का योग कितना है 10/3। समझ में आई बात, देखो किसी संख्या हमको पता नहीं, एक से मान लिया संख्या को, ठीक है, तथा उसके व्युत्क्रम का योग, योग बोला इसलिए हम प्लस लिखे, और व्युत्क्रम किसका व्युत्क्रम, ये जो संख्या उसी का व्युत्क्रम, तो 1/x हो गया और कितना है 10/3 है। चलिए तो अब तो इजी हो गया ना, अब तो हम इसका करते हैं, एक्स ले लो कॉमन तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, एलसीएम अगर कर लेते हैं यहाँ पे। चलिए अब क्रॉस गुना कर लो, तो क्रॉस गुना करने से क्या होगा, इजी है, यहाँ पे हम क्या करें, देखो गुना कर लेते हैं, एक्स को इससे गुना कर ले हमें, देखो 3 को गुना कर लो कितना, 3x² हो जाएगा प्लस 3 को 1 से गुना करो तो 3 हो जाएगा, 10x हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 10x को भी इधर लिख चले आते हैं हम, जिस तरह बनाने का जो मेरा रूल नियम है, तो 3x² हो जाएगा, माइनस आ जाएगा -10x या +1, हम ऐसे कर सकते हैं ना, को 1 है 1 नहीं है, एक मिनट 3 1 3 होगा, एक मिनट 3 1 3, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा बराबर 0, 3 है। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, 3 3 9, तो इसको फैक्टर कर सकते हैं, 9x - x + 3 = 0। अब हमारा बन जाएगा 3x ले लो कॉमन, तो एक से माइनस 3 3 9, फिर माइनस निकालेंगे कॉमन, तो एक से प्लस क्या बनेगा, माइनस क्या हो जाएगा 3, क्योंकि यहाँ पे कॉमन क्या निकला 1 निकला कॉमन, बराबर 0। तो अब यहाँ पे क्या बचा, एक से माइनस 3 निकला बाहर, आई 3x - 1 ये निकला, ठीक है, बराबर 0। अब क्या करेंगे, एक से माइनस 3 = 0, तो एक से बराबर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, अच्छा 3x - 1 = 0, तो एक से बराबर क्या हो जाएगा 1/3, क्योंकि ये 1 जाकर उधर प्लस और 3 इधर हो गया बटा में। तो यहाँ पे देखो दो संख्या है, इसलिए संख्या यानी कि एक से बराबर कितना हो गया 3 भी है और 1/3 है, ये दोनों इसका आंसर होगा, 3 और 1/3 दोनों इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया। तो चलो इस वीडियो को यहीं पे लास्ट करते हैं, मेरे ख्याल से आपको ये बहुत अच्छा लगा, बहुत लुत्फ से उठाए होंगे आप लोग इसको देख करके। तो चलो इस सवाल सबको आपको बनाने आना चाहिए, अगर नहीं बनाने आता तो इसको फिर से नोट करो अपने कॉपी में और इसको प्रैक्टिस करो यार, ओके, दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन, लाइक जो नहीं किया लाइक कर देना, ओके बाय।